एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं नहा चुकी हूँ, नाश्ता हो गया है। आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो नहा चुकी हूँ मैं, और आज मैंने मॉर्निंग में पिया है ग्रीन टी जो मैं उस दिन लेकर आई थी। और अभी जा रही हूँ छत पे, थोड़ी सी धूप लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी पराठे। तो यहाँ आ गई थी मैं छत पे, और इस समय डेली जो है ना मैं छत पे ही आती हूँ, तो और वहीं पे लोशन वगैरह जो है और सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ठंडी मतलब बहुत ज़्यादा है इस समय। तो सबसे पहले छत पे ही मेरा जाना होता है नहाने के बाद। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना प्लांट जो है यहाँ पे सेट कर रखा है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी तो मैंने मतलब ऐसे ही रख दिया है, बाकी यहाँ पर मैं जो है दूसरा वाला जो है यूज़ करूँगी। और आज मैंने जो है गरम गरम मेथी के पराठे बनाने हैं मुझे। और सोनम आटा मार के चली गई थी, क्योंकि वो सुबह नाश्ता बनाई थी, मैंने कहा था कि गरम गरम जब खाएंगे तो मैं बना दूंगी, क्योंकि पराठे इस टाइप के होते हैं ना, मेथी के हैं, आलू के, गरम गरम ही आपको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ, दूध आ गया था, और उसके बाद जो है मेथी के पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। और आई थिंक ठंडियों में मेथी के पराठे सभी को बहुत पसंद आते होंगे, किसी किसी पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और मेथी के पराठे हुए, आलू के पराठे हुए, बट मेथी के पराठे ज़्यादा सही रहते हैं, क्योंकि ठंडी होती है तो गर्म भी करते हैं काफ़ी, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और बस यहाँ पे गरम गरम जो है मेथी के पराठे बना ले रही हूँ मैं, और तब तक आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल में सब्सक्राइब करिए। यहाँ पराठे बनने के बाद मुझे ना चाय से बहुत ज़्यादा पसंद है, और इन्हें चटनी से। और मैं स्टोरी भी देखती जाती हूँ इसे, कभी कभी होता सीरियल देखती हूँ, कभी ना कार्टून वाली स्टोरीज़ बहुत अच्छी अच्छी आती है, तो मैं वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो देखते देखते भी खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे पराठे और चाय हो गए हम लोगों के रेडी, तो अब हम लोग करेंगे लंच। वैसे तो हम लोग हमेशा साथ में करते हैं, ये कुछ काम कर रहे थे, पता नहीं उनका फ़ोन ऑन आ रहा होगा, और तो मैं खाने लगी थी, मैंने कहा तुम भी आ जाओ, तो इनको मोबाइल में कुछ काम था, इनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं कॉल करती हूँ तो पता चल जाएगा कहाँ पर है, और बस यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। और यहाँ आयान खुजाने में कुछ ज़्यादा बिजी है, बहुत मस्ती करते हैं बच्चों का तो क्या कहूँ। सो आज अभी शाम हो रहा है और अभी बज रहा है, मैं ना दोबारा वीडियो 7:45 हो रहा है, लोग नहीं स्टार्ट करी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। कौन किसके? डैडा के? डैडा जो अंदर वाली सबसे अंदर अलमारी में होते हैं ना, मेरा बेटा पोछू है, मेरी अलमारी में रख दो जहाँ मेरे कपड़े होते हैं। तो मैंने सिया को काम दिया है कि आपने आज पूरा मैसी किया है, तो बच्चों में इतना जो है ना होना चाहिए कि क्लीन कर सके, क्योंकि आज ये लोग स्कूल से आए थे। ये बेटू सैंडल ना बाहर लॉन में कर देना पैरों से। तो मैंने आज इन लोगों को कहा है कि आप लोग ही यहाँ गंदा करते हो, तो आप ही लोग यहाँ पे क्लीन करोगे अच्छे से, पूरा कमरा मैसी हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ये लोग पढ़ाई करी थी सब, तो इस वजह से टेबल गया है मेरा ऊपर ऊपर, क्योंकि मेरा सेटअप लगा है। और क्रिसमस डे का इंतजार है, क्रिसमस के मतलब मुझे ना ट्री चाहिए था जो अभी तक आया नहीं। हाँ लाओ, मैं यहाँ पे यहाँ सही कर देती हूँ, तो चलिए बैठ सही कर लेते हैं फिर बात करते हैं। तो ये गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, और ये लेकर आए थे इनका, मैंने लड्डू के लिए कहा था, पर ये दो तरह के लड्डू ले आए, और गाजर का हलवा भी इन्हें कहा था, हमारा मन था तो गाजर का हलवा भी लिया। ये लड्डू ड्राई फ्रूट्स वाले होते हैं, काफ़ी गर्म करते हैं ये, मतलब जो लोग घर में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप जितना सामान लाएंगे और बनाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा इकट्ठा बना के रखो तो खाने का फिर इतना मन नहीं करता, तो दो तरह के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेते हैं। हाँ काफ़ी महंगे भी पड़ जाते हैं, बट ये है ना कि आप थोड़ा थोड़ा लाते रहिए, खाते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता। इकट्ठा बना के रखो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर वो महीनों रखे रहते हैं और हमें इतना फिर देख देख के ना खाने का मन नहीं करता। तो ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लेते थोड़े से महंगे ज़रूर पड़ते हैं,
पर हाँ 2000 रुपये में ड्राई फ्रूट्स के दो दो तरीके लड्डू और क्या कहते हैं गाजर का हलवा, ये तीनों चीज़ आ गई थी। बाकी आप घर में भी सामान अगर आप इकट्ठा करते हैं ना तो भी इतना आ ही जाता। और ये ना रात में मखाने में जो है सही से उबाल रही हूँ, इसको सुबह नाश्ते में हम लोग खाते हैं, तो रात में आप एक दिन पहले इसको अच्छे से पका के रख लीजिए, ज़्यादा फ़ायदा करता है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आपको ऐड करना है, छुहारे वगैरह, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। तो आज रात में डिनर बन रहा है, मैं भूल जाती हूँ, तहरी बन रही है। तो पनीर मैंने काट लिया था, फिर इनका मन नहीं हुआ तहरी पनीर डालने का, तो फिर मैंने पनीर रख दिया फ्रिज में, सुबह लंच में बन जाएगा बच्चों के लिए। तो मैं आलू काट लिया था मैंने, और तहरी में वही जो है ऐड करूँगी आलू, और क्योंकि अगर आप आलू ऐड करते हैं तो पनीर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहे तो दोनों ऐड कर सकते हैं। और बस यहाँ पे मैं कई बार आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी तहरी की, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी। और साथ में ये मेरी हेल्प कराते हैं, मेरी तबीयत इस समय काफ़ी गड़बड़ हो रही है ठंडी में, तो ये थोड़ा बहुत हेल्प करा ही देते हैं मेरी, जैसे सब्जी धो लेना है, काटना है, तो मैं करती हूँ ना काम, तो ये आ ही जाते हैं मेरे साथ। और बस यहाँ पे गरम गरम तहरी, और हमेशा घी ऐड करते ना, घी इस समय नहीं है बनाना है मुझे, पर इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि मक्खन थोड़ा सा बटर डाल देते तो काफ़ी टेस्टी लगेगा, और वाकई में काफ़ी टेस्टी लग रहा था। बट ना क्या होता है, घी की बात कुछ और ही होती है, अलग होती है। और यहाँ पे मुझे आप देख सकते हैं बराबर सर ढाक रही हूँ, मेरे समय बहुत ज़्यादा ठंड, ये जो ठंड है ना हवा चलती मेरे सर में बहुत प्रॉब्लम कर रही है, पता नहीं क्यों, पिछले साल ऑपरेशन होने के बाद से इस बार मेरी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नहीं अभी तक मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, पैर में इस तरह से फोल्ड करके बैठी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि पैर ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसलिए मैं मतलब इसको फैला नहीं पा रही थी। तो डिनर करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा।